इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देश के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद के खत्म करने के लिए कई बार समझौता हुआ, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी वजह के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देश के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने के साथ होती है। इसी दौरान पूरी यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव दिखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़े में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपनी पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यही से ज़ियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की ये पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इसी दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनका साथ यूरोप में काफी शोषण होता था। ज़ियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध की दौरा। 1970 में बोलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोग का मानना है कि बोलफोर डिक्लेरेशन ही वही प्रमुख वजह थी जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन की मतभेद का जन्म दिया। आइए जानते हैं कि बोलफोर डिक्लेरेशन क्या है। 1970 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य की हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के ब्रिटिश मंत्री सर आर्थर बोलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों की उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। इसके अंतर्गत उसने पूरी मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्से में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वही तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर एक कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वही दूसरे और उसने गुपचुप तरीके से सिक्सपोक एग्रीमेंट के तहत ये हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन देश का शुरुआत होती है। बोलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इसी दौरान यहां पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगे थे। फिलिस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे उन्हें यहां आकर जमीन खरीदने शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीन से जमीन खरीदने के दर पर मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गए। यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्हें अरब फिलिस्तीनियों को भगना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों के शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गोरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरी यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रहे रहे यहूदियों के महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कहीं कई दूसरे जगह नहीं जहां यहूदियों सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदिया अरब लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यही मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुआ और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलम। इसमें लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थे और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए ऐसा ही। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं।